नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के 52वें लीग मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और हैदराबाद की टीम शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में आमने सामने थी। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी जेसन रॉय और अभिषेक शर्मा की जोड़ी से टीम को शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन हैदराबाद को एक नई ओपनिंग जोड़ी से जिस तरीके की पारी की उम्मीद थी वैसी शुरुआत नहीं मिल पाई। हालांकि अभिषेक शर्मा ने कुछ अच्छे इंटेंट जरूर दिखाए और 10 गेंदों पर 13 रन बनाकर पारी के दूसरे ओवर में ही जॉर्ज गार्टन का शिकार हो गए। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी में एक चौका और एक छक्का लगाया था और वो भी इसी ओवर में, लेकिन जल्द ही जॉर्ज गार्टन ने वापसी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को अपनी शानदार स्लोअर वन पर फंसा लिया। गेंद काफी आगे थी और अभिषेक शर्मा एक और छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन बल्ला उनके हाथ में घूम गया और गेंद हवा में खड़ी हो गई। ग्लेन मैक्सवेल ने एक आसान सा कैच लपक कर उनकी 13 रन की पारी का अंत कर दिया। सनराइज हैदराबाद के लिए एक नई ओपनिंग जोड़ी की तलाश एक बार फिर तलाशी रह गई और जेसन रॉय और अभिषेक शर्मा टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में नाकाम रहे और 14 रन के स्कोर पर टीम को पहला झटका लग गया। आपको बता दें, सनराइज हैदराबाद पहले ही आईपीएल 2021 की प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास अभी भी टॉप 2 में पहुंचने का शानदार मौका है। आपको बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस साल तीसरी टीम थी जिसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।